हेलो चैम्स, आज हम बनाना सीख रहे हैं एक परफेक्ट पैंटागन। तो चलिए शुरू करते हैं। चैम्स, एक परफेक्ट पैंटागन बनाने के लिए मैं एक लाइन लेने जा रहा हूं 7 सेंटीमीटर की। इस लाइन को हम नाम दे देते हैं M1, M2। चैम्स, जो पेंटागन हम बनाने जा रहे हैं उसमें लाइन बाइसेक्टर का बहुत बड़ा रोल है, तो हम M1, M2 लाइन को पहले बाइसेक्ट करने जा रहे हैं। तो मैंने कंपास लिया है, कंपास में एक मैंने रैंडम मेजरमेंट लिया है और एक आर्क मैंने ऊपर लगाया है, और इसी तरीके से M1 को मानकर एक आर्क मैंने नीचे लगाया है। इसी तरीके से M1 से एक आर्क मैं नीचे लगाने जा रहा हूँ और M2 को सेंटर मानकर एक आर्क मैं नीचे लगाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट क्रिएट हो गए हैं। इन पॉइंट को नाम दे देते हैं M3, M4। मैं M3, M4 को ज्वाइन करने जा रहा हूँ। ये M3, M4 ज्वाइन होने जा रहा है। आप देखेंगे ये M3, M4 लाइन M1, M2 को पॉइंट O पर बाइसेक कर रही है। पॉइंट O को सेंटर मानकर मैं कंपास में एक मेजरमेंट लेने जा रहा हूं OM1, और आप देखेंगे और O को ही सेंटर मानकर मैं एक सर्कल ड्रॉ करने जा रहा हूं। अब इस सर्कल को ड्रॉ करने के लिए मैंने बाइसेक्ट क्यों किया लाइन को, क्योंकि हमें ये दोनों डायमीटर्स एग्जैक्टली 90 डिग्री पर चाहिए थे। चैम्स, नेक्स्ट स्टेप में मैं कंपास लेकर एक कंपास में रैंडम मेजरमेंट ले रहा हूं। पहले मैं M2 को सेंटर मानकर एक आर्क लगा रहा हूं और O को सेंटर मानकर एक और आर्क लगा रहा हूं। ऐसे ही O को सेंटर मानकर मैं एक आर्क नीचे भी लगा रहा हूं और M2 को भी सेंटर मानकर एक आर्क नीचे लगा रहा हूं। आप देखेंगे ये दोनों आर्क एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही हैं। इनको मैं नाम दे देता हूं M5 एंड M6। इन दोनों लाइंस को अब मैं जोड़ने जा रहा हूं, M5 और M6 को। आपने देखा कि OM लाइन इस पॉइंट पर बाइसेक्ट हो गई है, इसको नाम दे देते हैं O1। नेक्स्ट स्टेप में हम कंपास लेंगे और O1 को सेंटर मानकर हम एक डिस्टेंस लेंगे जो M3, M4 इस सर्कल को यहां पर टच करती है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं Z1। तो Z1 तक हम एक डिस्टेंस मेजरमेंट ले लेते हैं कंपास में और यहीं से हम एक आर्क लगाना शुरू करते हैं जो लाइन OM1 को टच करती है। मान लीजिए लाइन OM1 को हम O2 पॉइंट का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास इस सर्कल में दो पॉइंट और आ गए हैं, Z1 और O2। अब हम Z1 और O2 को आपस में मिलाने जा रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पेंटागन को बनाने में
Z1 और O2 का क्या रोल है? तो चैंप्स, हमारा पेंटागन की एक साइड O1 Z1 के इक्वल होगी। अब हमें मेजरमेंट लेना है इस साइड का। ये देखिए, मैंने मेजरमेंट ले लिया O2 Z1 का, और Z1 को सेंटर मानकर अब मैं सर्कल पर कुछ आर्क लगाने जा रहा हूँ। देखिए, आर्क वन। अब आर्क वन को हमने सर्कल पे पॉइंट कर दिया है। इस पॉइंट को फर्दर एक सेंटर मानकर हम आर्क लगाने जा रहे हैं एक और। इस पॉइंट को भी हम मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट, इस पॉइंट को सेंटर मानकर हम एक आर्क और लगाते हैं, इसको भी पॉइंट कर लेते हैं। पॉइंट करने से हमें एक्यूरेसी लेवल आ जाता है अच्छा, जहां पर दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं या ओवरलैप करती हैं। और एक पॉइंट हम यहां लगा रहे हैं, इसको भी पॉइंट कर लेते हैं। और फाइनली हम चेक करते हैं, इस पॉइंट से हम Z1 की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये आगे इसको कट कर रहा है। तो इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं। इसको अगर पॉइंट को हमने Z1 नाम दिया है तो इसको नाम दे देते हैं Z2, इसको नाम देते हैं Z3, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं Z4, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं Z5। तो चैंप्स, हम अपने पेंटागन के पहले वर्टेक्स को बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम Z1 और Z2 को जोड़ने जा रहे हैं। हमने Z1 और Z2 को जोड़ दिया है। नेक्स्ट प्रोसेस में हम Z2 और Z3 को जोड़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम Z3 और Z4 को जोड़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में Z4 और Z5 को हम जोड़ने जा रहे हैं। और फाइनल स्टेप में हम Z5 और Z1 को जोड़ने जा रहे हैं। तो चैंप्स, हमें हमारा परफेक्ट हेक्सागन मिल गया है। चैंप्स, आप अपना कोई एक सर्कल लेकर एक हेक्सागन क्रिएट कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाय एंड टेक केयर।